लाडो की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ रेसिपी चिकन करी की, जो बनाने में तो बहुत सिंपल है लेकिन खाने में उतनी लजीज और उतनी मस्त है। इसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो चिकन, जिसे मैं पहले मैरिनेट करूंगी। मैरिनेशन के लिए मुझे चाहिए पहले 1 कप दही, नमक, नींबू का रस, लाल मिर्च, हल्दी और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है जिसमें मैंने 1 हरी मिर्च भी पीसी हुई है। अब सबसे पहले हम डालेंगे इसमें दही, ये पूरा दही हम इसमें डाल देंगे। फिर मैंने इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालनी है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये मैं पूरा डाल दूंगी, नींबू का रस है इसको मैं डाल देती हूँ, और फिर मैं सबसे लास्ट में इसमें डालती हूँ 1/2 चम्मच नमक। नमक अभी थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि बाद में भी डालेंगे बनाते समय। अब मैं इसको मिला लूंगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, ये चीजें मिलाने के लिए हमें चम्मच या कलछुल की सहायता हम ना लें तो ज्यादा अच्छा है। इसको हम अपने हाथ के पंजे से ही मिलाएंगे क्योंकि हर जगह कलछुल काम नहीं आता, कहीं कहीं पंजा भी काम आता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए तैयार कर दिया है और इसे कम से कम मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। आप जितना ज्यादा देर रखेंगे उतना टेस्टी बनेगा, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो आप रखिएगा ही इसको। और मैंने इसको ढक दिया है और इसको मैंने साइड में कर दिया है जब तक मैं और तैयारी कर लेती हूँ। अब मुझे चिकन करी बनाने के लिए चाहिए 4 प्याज, इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। मुझे 1 ही लाल मिर्च मेरे पास है, इसको मैंने बाद में सजाने के लिए रखा है, और 2 मिर्चें मैंने काटी हुई हैं। 2 तेज पत्ते चाहिए, कुछ लौंगे चाहिए मुझे, 2 इलायची हैं हरी, 2 काली बड़ी इलायची हैं और कुछ दाने काली मिर्च के हैं। और इसके अलावा मुझे सूखे मसाले चाहिए, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल दी थी मैरिनेशन में और थोड़ी सी हल्दी ये रखी है। और अब जो ये लाल मिर्च मैंने ली है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, क्योंकि ये भी लाल मिर्च मैंने डालनी है और थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने मैरिनेशन में डाली थी, अब मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी जिससे कि बहुत ज़्यादा तीखा ना हो जाए। और मुझे चाहिए सूखा धनिया 1 चम्मच, 3 टमाटर मैंने काट के रखे हैं और मुझे बाद में धनिया चाहिए होगा, और मैंने तलने के लिए 1 कप तेल रखा हुआ है सरसों का। ये सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनेगा, और इस सरसों के तेल को मैंने थोड़ा सा गर्म करके जला दिया है, उसके बाद इसको रखा है, क्योंकि कुछ लोगों को सरसों के तेल की जो कच्चापन है उसका वो पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको जला के रखा है जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए। और मुझे स्वाद के अनुसार नमक चाहिए। नमक भी डालते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ नमक मैंने इसमें मैरिनेशन में डाला हुआ था पहले से, अब हम नमक ध्यानपूर्वक डालेंगे। हाँ तो दोस्तों, जो ये मैंने खड़े मसाले लिए थे इनको मैं इसमें डाल के कूट ले रही हूँ। कूटे हुए मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा दरदरा कूटूंगी, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है। हाँ तो दोस्तों देखिए, मैं इसको ऐसे इन मसालों को कूट ले रही हूँ। दोस्तों देखिए, इतना बस मुझे कूटना था, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, ये कूट गया है, इसको इसी तरह से मुझे उसमें डालना होगा बनाते समय। हाँ दोस्तों देखिए, चिकन मैरिनेट हो गया है, अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैंने ये कढ़ाई ली है लोहे की, और आप भी कोशिश करें लोहे की कढ़ाई लें क्योंकि इसमें चिकन बहुत टेस्टी बनता है और इसका कलर बहुत अच्छा आता है। मैं इसमें डालती हूँ सरसों का तेल, जो मैंने 1 कटोरी लिया था, ये तेल गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें अभी तेल गर्म हो जाए तो मैं इसमें जीरा डालूंगी, जो मैं पहले बताना भूल गई थी। हाँ ये मैं इसमें जीरा डाल दे रही, तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज,
प्याज डाल दिए, थोड़ा सा चलाऊंगी। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो मैंने मैरिनेशन में डाल दिया है, इसलिए इसमें अब मैं दोबारा से नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें डालती हूँ तेज पत्ता, थोड़ा सा चलाने पर मैं इसमें ये अपने कूटे मसाले डाल दूंगी जो मैंने इसमें कूट के रखे थे। अब मुझे थोड़ी देर इसको चलाना है। इसी तरह से थोड़ा सा चलाते हुए गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें चिकन के पीसेस डालूंगी। हाँ दोस्तों देखिए इसको इस तरह से बस मुझे पकाना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब मैं इसमें डालूंगी ये अपनी लाल मिर्चें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत चटक टेस्ट आता है, इसलिए आप कोशिश करें ये वाली लाल मिर्च लें और इसमें डालें। थोड़ा चलाऊंगी मैं और फिर इसमें डालूंगी चिकन के पीसेस। ये देखिए बस मैं चिकन डालूंगी, इसमें जो पानी है उसको बाद में यूज करूंगी। ये देखिए इसका जो पानी निकल आया है, दही है और उसमें जो पानी इसमें छोड़ा है वो मैं बाद में यूज करूंगी। इस तरह से मैं सारे पीसेस डाल देती हूँ। अब मुझे कुछ देर इसको चलाते रहना है, पानी को मैंने ऐसे रख दी, अभी से मैं चलाती रहूँगी। कम से कम मुझे इसको 10 मिनट तक यूँ ही भूनना है। इस तरह से चलाते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे इसको और भूनेंगे इसको। हाँ दोस्तों देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये इसका कलर देखिए कितना चेंज हो गया है और इसने पानी भी अपना छोड़ दिया है और ये इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। अब इसको मैं टमाटर डाल के कुछ देर और पकाऊंगी। अब ये टमाटरों के साथ कुछ देर भुना जाएगा। हाँ दोस्तों देखिए इसको मैंने 4-5 मिनट और पकाया है टमाटर के साथ। ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया। अब मैं इसमें अपने मसाले डालूंगी जो सूखे मसाले मैंने रखे थे। ये सूखा धनिया है, धनिया पाउडर, ये मैंने डाल दी हल्दी और ये मैंने कश्मीरी मिर्च ली थी ये डालूंगी। इसका कलर बहुत अच्छा आता है क्योंकि तीखापन डालने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले बहुत सारी मिर्चें डाल दी हैं। अब मुझे कलर की ज़रूरत है तो मैंने कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल की है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। ये देखिए अब मैं इन मसालों के साथ इसको भूनूंगी, इसका कलर देखिए चेंज होने लगा। अब इसको मैं 10 मिनट तक भूनूंगी जब तक ये पक ना जाए, अभी भूनते भूनते ही पकेगा। चिकन क्योंकि टेंडर होता है तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है, उसको भूनते भूनते ही हम देखेंगे कि पक गया है। ये देखिए कलर कितना अच्छा है। हाँ दोस्तों देखिए टमाटर के साथ साथ ये भुनता गया और टमाटर भी गल गए हैं और कितना अच्छा कलर इसका आया। देखिए टमाटर भी गलते जा रहे हैं और मसाले भी भुन गए हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है ये और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच नमक। नमक का हम इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने मैरिनेट करते समय भी नमक डाला था, इसलिए हमें अब नमक ध्यानपूर्वक डालना है। अब हम फिर इसे भूनेंगे और इसी तरह से हम इसमें भूनते हुए इसमें कलर लाएंगे और इसको भूनते भूनते पकाएंगे क्योंकि इसे हमने अभी इसमें करी भी करनी है, इसलिए पानी भी थोड़ा सा हमें डालना है।
लेकिन वो अब थोड़ी देर में डालेंगे, इसको और भून लेंगे। दोस्तों देखिए ये 4-5 मिनट में और मैंने जब भूना तो बहुत और अच्छा कलर आ गया इसमें। अब ये रेडी है, इसमें पानी डालने के लिए मैं कर देती हूँ। ये जो मैरिनेशन में पानी बचा था वो मैं इसमें डालती हूँ और थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी। ये आपके ऊपर है कि आप कितना इसमें पानी पसंद करते हैं, आप उस हिसाब से। हाँ दोस्तों देखिए इसमें मैंने इतना पानी डाला है कि जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो आप उतना ही डालिए। और अब ये 10 मिनट तक मैं इसको ढककर पकाऊंगी और फिर उसके बाद आप देखिएगा कितना अच्छा बनकर ये तैयार होगा। ये मैंने ढक दिया, अब 10 मिनट बाद मैं इसको खोलूंगी। हाँ दोस्तों देखते हैं अब इसका क्या हाल है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ओ यानी बहुत अच्छा कलर भी आ गया है और ये मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी ग्रेवी भी उतनी है। और मैं देख लेती हूँ ये गल गया कि नहीं गल गया। ये बिल्कुल गल गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल दूंगी बस, और मैं गैस बंद कर देती हूँ। थोड़ा सा मिला के अब मैं सर्व करूँगी। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाला है, आप चाहे तो और धनिया डाल सकते हैं, धनिया से बहुत अच्छा कलर आता है। अब मैं सर्व करूंगी इसको। ये देखिए इसकी ग्रेवी भी काफी थिक है और देखने में बहुत सुंदर लग रही है। अब इसको मैं गार्निश करूंगी हरे धनिया से और ये जो मैंने लाल मिर्च काट के रखी थी ये मैं इसमें सजा देती हूँ। दोस्तों ये बनकर तैयार है हमारा चिकन करी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।